आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नींबू से वशीकरण। जी हाँ, नींबू से किसी को भी अपने वश में करें और अपना कार्य सिद्ध करें। वशीकरण का उपाय बेहद आसान है। इस मंत्र के द्वारा वशीकरण करने के लिए आपको चाहिए 2 नींबू, पीले रंग के, 1 काला कपड़ा, 1 सफेद कोरा कागज और लाल सिंदूर। इस उपाय को करने के लिए शनिवार का दिन अति उत्तम है। शनिवार के दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और मंदिर जाएं। वहां पर भगवान के आगे माथा टेके नींबू को लेकर किसी सुनसान स्थान पर जाएं और 1 नींबू पर खुद का नाम लिखें, दूसरे नींबू पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जो आपका दुश्मन है, जो आपके जीवन में परेशानी पैदा कर रहा है। इसके बाद 1 सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम हरी स्याही से लिखें 251 बार। अब दोनों नींबू को कागज में लपेटें और इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र है, ओम ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा ग्रहा बलदा कृष्य मुहाया महामाया प्रकाशति। जब पूरा होने के बाद नींबू को कागज से बाहर निकालें और नींबू को बीच में से काट दें जिस पर आपने शत्रु का नाम लिखा है। नींबू काटते समय याद रखें कि शत्रु का नाम बीच में से कटना चाहिए। अब इस नींबू को अच्छे से निचोड़ें और इसका रस पी लें। जो अगला नींबू है, जो बच गया है, उसे कागज के साथ नदी में दूसरे दिन प्रवाहित कर दें। ये उपाय पूरा करने के बाद आपको रोजाना 11 दिनों तक इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। इस वशीकरण के प्रयोग से आपके शत्रु का नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाएगा और आपकी जिंदगी से वो हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। इस उपाय को कीजिए और अपने जीवन से शत्रु का नामो निशान मिटाइए। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट करें, हमारे बाबा जी आपको इसका उपाय करके देंगे और आपको शत्रु से छुटकारा दिलाएंगे। तो तुरंत कांटेक्ट करें। तो अब बात कर सकते हैं आप पंडित एसके शर्मा से। उनका नंबर है +918107865842। इस नंबर पे कॉल करके आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं।